एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं यूपी असिस्टेंट टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और इसको अब शॉर्ट में ज़्यादातर लोग सुपर टेट कहते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, सेक्शन वाइज अलग अलग वीडियोज़ में सॉल्यूशन देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपके और भी क्वेश्चंस साथ साथ प्रिपेयर होते रहें। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी वाले भाग का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हिंदी के टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपकी लैंग्वेज आती है इसमें तीन, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। तो 20 मार्क्स का रहता है आपका हिंदी का पोर्शन, 10 मार्क्स का आपका संस्कृत रहता है और 10 ही मार्क्स का आपका रहता है इंग्लिश। तो टोटल आपका 40 मार्क्स का सेक्शन रहता है लैंग्वेज का, जो कि बहुत ही बड़ा एक पार्ट है आपके पेपर का। तो आपको ये लैंग्वेज वाला पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि आपका आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट पेज है इसका और स्टार्टिंग में ही ये हमारा हिंदी वाला पार्ट दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। वैसे ये क्वेश्चन होना चाहिए था कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि जिन शब्दों में ये कृत प्रत्यय जुड़ते हैं वो जो शब्द बनते हैं नए, उनको कहते हैं कृदंत। तो ये कृत होना चाहिए था। बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछा गया है, ये हम कह सकते हैं। फिर भी हम इसका आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो हमारे लगते हैं क्रिया के साथ, और इसको याद करने का मैंने आपको एक बेस्ट तरीका बताया था कि क्री से क्रिया और क्री से कृत प्रत्यय, और कृदंत भी क्री से ही है। तो आप ध्यान रखेंगे कृत प्रत्यय जिनमें शब्दों में जोड़ते हैं उसके बाद जो शब्द बनते हैं वो कहलाते हैं हमारे कृदंत। इसमें अगर हम और डिटेल में अगर जाएं तो कृत प्रत्यय हमारे क्रिया या फिर धातु के अंत में लगते हैं, तो क्रिया भी हम कह सकते हैं इसको, धातु भी कह सकते हैं। कभी तो धातु के बारे में पूछा जा सकता है। तो और जो इनसे बने शब्द होते हैं वो होते हैं कृदंत। ऐसे ही एक होते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं, और इनसे बने जो शब्द होते हैं वो हमारे कहलाते हैं तद्धितांत प्रत्यय। तो इसके बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए हमारा जो एक शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्याकरण। तो जो व्याकरण जानता है उसको कहा जाता है व्याकरण। और बाकी ऑप्शंस की बात करें तो वैज्ञानिक कहते हैं हम जो विज्ञान जानता है, बहुज्ञ कहते हैं जो बहुत जानता है, और शास्त्रज्ञ कहते हैं जो कि शास्त्र जानता है। तो इस तरह से इनको समझ सकते हैं। कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करने वाला वाक्यांश कहलाता है, और वाक्यांश के प्रयोग से वाक्य रचना में सुंदरता और गंभीरता आ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम और लें तो जैसे कि अंडे से जन्म लेने वाला कहा जाएगा अंडज। हम अंडे से जन्म लेने वाला ना कह करके एक छोटा सा शब्द कह देंगे अंडज। ऐसे ही जो बहुत बोलता है उसको हम कह सकते हैं वाचाल। एक लंबे वाक्यांश की जगह पर हम एक छोटे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे जो हमारी होती है वाक्य रचना उसमें एक तरह से सुंदरता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें हमारा 2nd ऑप्शन जो होगा वो सही उत्तर होगा। कुछ और पत्रिकाओं की बात करें तो जैसे समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि वचन सुधा नाम से एक पत्रिका थी, उसके संपादक रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और एक पत्रिका थी बंगवासी बालमुकुंद गुप्त, इसके संपादक रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन 4 है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये किसको प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर हमारा होगा सुमित्रा नंदन पंत। 2nd ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो पुरस्कार है 1968 में मिला था पंत जी को। और अगर बात करें बाकी पुरस्कारों की, कुछ और मुख्य पुरस्कार जो हैं, 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया था। 1964 में महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ था।
तो ये कुछ मुख्य पॉइंट हैं और महात्मा गांधी ने इन्हें, मैथिली शरण गुप्त के बारे में देख लेते हैं, तो महात्मा गांधी ने इन्हें कहा था राष्ट्रकवि, मैथिली शरण गुप्त को। और अगर बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, तो इनका ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनका रहा है प्रिय प्रवास, जिसके लिए इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। और रामधारी सिंह दिनकर की जो मुख्य रचना है वो है संस्कृति के चार अध्याय, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये कुछ पॉइंट और याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो महान में त्व प्रत्यय अगर हम जोड़ देते हैं तो ये शब्द हमारा बन जाएगा महत्व। ये थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी की बात करें तो जो पहला ऑप्शन है हमारा महनीय में लगा है आपका ईय प्रत्यय, ईय ये वाला। महत्ता में लगा है आपका त प्रत्यय, तो ये स्त्रीलिंग में है इसलिए महत्ता बन गया है। और महत्ती में जो लगा है आपका वो लगा है ई प्रत्यय। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं जो कि हम पहले भी जान चुके हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द होते हैं कृदंत कहलाते हैं, और तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को कहा है बीज वपन काल, पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी की बात करें तो आदिकाल जो कहा है वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, और चारण काल कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ये कुछ पॉइंट और याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो हिंदी शब्द की बात करें तो ये लिया गया है हमारा फारसी भाषा से। तो हिंदी शब्द फारसी का है और जिसका अर्थ है हिंद का या हिंद से संबंधित। तो हिंदी शब्द की निष्पत्ति सिंधु यानी सिंध से हुई है। तो स का उच्चारण ईरानी भाषा में है किया जाता था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कहा, सिंधु को हिंदू कहा। तो इस तरह से हिंदी का जो है उद्भव हुआ है हिंदी शब्द का, तो फारसी से हम इसे मान सकते हैं ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो होगा इसमें हमारा वो हो जाएगा ग्रह। तो आप शब्दों से भी वैसे पता लगा सकते हैं, जो इस तरह का री इस्तेमाल होता है, यूज जो होता है, ये ज़्यादातर आपको तत्सम शब्दों में मिलेगा। और बाकी जो आपके शब्द हैं ये सभी आपके क्या हैं, तद्भव हैं। और ग्रह का जो तद्भव शब्द है वो है घर। तो तत्सम शब्द जो हैं वो हैं हमारे संस्कृत के मूल शब्द। संस्कृत से ये एज इट इज़ ले लिए गए हैं, जैसे ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा बहुत इनका रूप बदलता जा रहा है और कुछ शब्द जो हैं आपके बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो मूल शब्द से काफ़ी भिन्न भी हो गए हैं। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं हम, बदले हुए रूप के, बदला हुआ जो रूप है तत्सम शब्दों का, इनको कहा जाता है तद्भव। यानी कि जो थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ आए हैं हिंदी में, उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। तो तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के आधुनिक हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम देखें तो अन्न पहले यूज़ होता था, तो अन्न का क्या हम यूज़ करने लगे हैं, अनाज। ऐसे ही अगर हम और शब्दों की बात करें तो हम कह सकते हैं अक्षी तत्सम है, अक्षी का तद्भव है आँख। पाँव का जो तत्सम है वो है पाद, और गांव का तत्सम है ग्राम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैराग्राफ पर आधारित है। पैराग्राफ का क्वेश्चन देखेंगे, पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे डायरेक्ट। तो क्वेश्चन है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न बन गया है। तो यहाँ पर सीधे सीधे दिया हुआ है,
सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। देखो कीवर्ड से ढूंढते हैं, जैसे कि जीवन का अभिन्न अंग आपको ढूंढना था पैराग्राफ में और आपको इजीली मिल जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, खुलकर। तो छलने की कला का हम खुलकर प्रयोग करते हैं, ये पैराग्राफ में इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अलंकार से रिलेटेड, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। तो इसमें बताना है आपको कौन सा इसमें अलंकार है। तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका रूपक, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखो रूपक अलंकार की क्या विशेषता होती है, रूपक में उपमेय उपमान को एक ही रूप दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर अंबर पनघट, अंबर पनघट, तो अंबर जो जो ये पनघट है और अंबर है एक ही रूप इनको दे दिया है, कई शब्द इसमें यूज हुए हैं इसी तरह के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैंने ये कराया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, अनुप्रास अलंकार होता है वो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई हो, जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार होता है वो जब किसी व्यक्तीय वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्तीय वस्तु से की जाए, तो एक बेसिकली यहाँ पर तुलना की जाती है। और यहाँ पर कुछ कॉमन शब्द होते हैं जिनसे कि आप इसको पहचान भी सकते हैं, जैसे सा सी से, इस तरह के तुलनात्मक शब्दों का भी प्रयोग इसमें होता है उपमा अलंकार में। अन्योक्ति अलंकार की बात करें तो ये होता है, इसमें क्या होता है जहाँ पर उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो। इसमें जो है उपमान तो अप्रस्तुत होता है, मतलब वो उपस्थित नहीं होता है, प्रस्तुत नहीं होता है, और उपमेय जो होता है वो प्रस्तुत होता है। तो इसके बारे में इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतपि सुजाती सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनुना बिराजई कविता बनिता मित्र। तो अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ जो हैं वो किस कवि की हैं ये हमें बताना है। तो ये पंक्तियाँ आपकी हैं केशवदास की, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये केशवदास ने अलंकारों के बारे में कही हैं। तो इन्होंने, उनका कहना है कि श्रेष्ठ गुणी होने पर भी कविता और बनिता, बनिता जो है वो स्त्री के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, आभूषणों के बिना शोभा नहीं देते हैं। मतलब कि जिस तरह से स्त्री आभूषणों के बिना शोभा नहीं देती है, वैसे ही कविता के बारे में इन्होंने कहा है कि कविता अलंकारों के बिना शोभा नहीं देते हैं। तो इनका ये कहने का मतलब है। केशवदास की रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्षिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बामनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका, ये सभी इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो इसमें से सरस्वती का जो पर्यायवाची नहीं है वो है फोर्थ ऑप्शन, जाह्नवी। जाह्नवी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो बाकी सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। और सरस्वती के जो और पर्यायवाची हैं उनके बारे में अगर बात करें तो गिरा, शारदा, भारती, वीणा, पानी, विमला, वागीश, वागेश्वरी, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। जाह्नवी के पर्यायवाची की बात करें तो ये हैं सुरसरिता, सुरधुनी, गंगा, देवनदी, मंदाकिनी, भगीरथी, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरी, त्रिपथगा। यानी कि अगर हम देखें तो ये जाह्नवी जो है ये गंगा का पर्यायवाची है। तो इस तरह से आप सिंपल रूप में इसे समझ सकते हैं, मैं, हम, तू और तुम आदि शब्द हैं। तो ये शब्द कौन से हैं ये अगर हम बताएं तो ये शब्द हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो धातु रूप आप संस्कृत में पढ़ते हैं उसमें आपने इनके बारे में जाना होगा। तो अगर बात करें सर्वनाम की तो ये छह प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक, जैसे कि पुरुषवाचक में ये सभी आ जाते हैं शब्द, तो पुरुषवाचक में ये सभी शब्द आ जाएंगे। और एक होता है निजवाचक, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक, एक संबंधवाचक और एक प्रश्नवाचक। तो छह प्रकार होते हैं सर्वनाम के, जिसमें से एक प्रकार है पुरुषवाचक।
सॉरी इसमें मैंने ये थर्ड लगा दिया, ये होना चाहिए था हमारा फोर्थ में मेरा, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो महाप्राण व्यंजन इसमें से हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड, ख छ ठ थ और फ, तो ये सभी क्या हैं हमारे महाप्राण व्यंजन ध्वनियां हैं। इनकी संख्या 14 है टोटल। अगर महाप्राण व्यंजनों की मैं बात करूं तो ख घ छ झ ठ ड थ ध फ भ श श स ह, मतलब शय जो हैं वो तीनों शय इसमें आ जाएंगे महाप्राण ध्वनियों में। और महाप्राण व्यंजन हम उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, मतलब ज़्यादा हवा निकलती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं महाप्राण कहते हैं। तो हिंदी भाषा में क वर्ग, मतलब जैसे कि सभी वर्गों की बात करें तो सभी वर्गों में आपको दूसरा और चौथा वर्ण जो मिलेगा वो महाप्राण मिलेगा। जैसे कि क वर्ग की बात करें तो क में दूसरा वर्ग कौन सा है, ख है। इस तरह से दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो हमारा महाप्राण है, और जो ऊष्म वर्ण है वो भी महाप्राण है। ऊष्म वर्ण कौन से हैं, जो श वाले हैं वर्ण, वो सभी ऊष्म वर्ण भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो ये तो काफ़ी ईजी है, ये हो जाएगा हमारा द्विगु समास। द्विगु में आप द्वि से भी इसको याद रख सकते हैं, द्वि जो है ये भी एक संख्या ही है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो संख्यावाचक कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे दोपहर, दोपहर जो है दो पहरों का समाहार, तो ये हमारा द्विगु समास का बेहतर उदाहरण है। बाकी समास की अगर बात करें तो कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय वो समास होगा जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी कि दूसरा जो पद है उसकी विशेषता बताई जा रही है चरण। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है हमारा कर्मधारय का एग्जाम्पल। तत्पुरुष समास कौन सा होता है, तत्पुरुष होता है वो समास जिसका उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान हो और प्रथम पद जो होता है वो गौण होता है, यानी कि उत्तर पद जो बाद वाला पद होता है उसकी प्रधानता इसमें होती है। और जो दूसरा चौथा समास है हमारा वो है बहुव्रीही, तो इसमें देखो कोई भी पद प्रधान नहीं होता लेकिन दोनों मिलकर के क्या किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर होता है बहुव्रीही समास। जैसे कि नीलकंठ, तो नीलकंठ एक अलग अर्थ दर्शा रहा है, जैसे कि नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव, शिव के लिए नीलकंठ हम प्रयोग करते हैं, तो इस तरह के जो शब्द होंगे उसमें होता है बहुव्रीही समास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है ये हमें बताना है। और इसमें जो अलंकार है वो है हमारा विरोधाभास, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तो उसमें होता है हमारा क्या, विरोधाभास अलंकार। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं हमारी सुमित्रानंदन पंत की। बाकी अलंकारों की अगर बात करें तो जो हमारा ये पहला अलंकार है विशेषण विपर्यय, इसमें एक होता क्या है, जहाँ किसी वस्तु का विशेषण उससे संबंधित दूसरी वस्तु में विशेष अर्थ से संबंधित करने में प्रयुक्त किया जाता है, वहां पर कौन सा होता है विशेषण विपर्यय अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार कौन सा होता है, जहां पर कि जो निर्जीव वस्तु हैं उनकी तुलना सजीव वस्तुओं से की जाए, तो वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। दृष्टांत अलंकार कहाँ होता है, जहां दो सामान्य या फिर दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहां पर होता है दृष्टांत अलंकार। तो इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है, तो इनके बारे में ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह जो है वो है आपका थर्ड ऑप्शन में, ये आपका योजक चिन्ह है, और इसका प्रयोग हम ज़्यादातर युग्मों में करते हैं, मतलब जोड़े दिखाने के लिए करते हैं, सामासिक पदों को दिखाने के लिए करते हैं, या तुलना कर जब करते हैं जब हम इसको प्रयुक्त करते हैं, मतलब शब्द युग्मों में ज़्यादा हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो बुद्धिमान जो है वो है आपका एक विशेषण शब्द, हम कह सकते हैं इसको एक विशेषण शब्द है बुद्धिमान, इसका मतलब होता है समझदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है?
तो कवि का स्त्रीलिंग है हमारा कवयित्री, और कवयित्री में भी देखो वर्तनी का ध्यान रखेंगे, वर्तनी जो है इसकी शुद्ध वो है थर्ड ऑप्शन में, तो ये हमारा सही आंसर इसमें होगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन सुपर टेट के, जो कि आपकी हेल्प करेंगे आगे के एग्ज़ाम के लिए भी सही से, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं तो अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी सेक्शंस के भी सॉल्यूशन करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।